हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ प्रीति में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मेरा घर है अभी पेंट हुआ है जल्दी ही, तो हम लोग सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा पर्दा वगैरह लगा दें, थोड़ा सा सजावट कर दें। पिंक पिंक कलर में हम करवाए हैं। मेरी परी का कहना था डार्क कलर, तो अभी देखो आधा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, पेंट वगैरह अभी नीचे भी होना है। तो ये उदय जी रॉड वगैरह ले आए हैं लगाने के लिए पर्दा, तो यहाँ भी मैं सोच रही हूँ लगा ही लेती हूँ, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा घर में पर्दा वगैरह लगा होता ना तो प्यारा लगता है। यहाँ भी लगा था तो इसको मैंने चेंज करना है। चेंज करके मैं सोच रही हूँ ब्लू कलर में ही लगा दूँ, सारे पर्दे एक जैसे हो जाए। किचन में भी लगाना है, तो यही सब हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। ब्लॉग में बने रहना आप लोग। ये देखो, तो ये मैंने मीशो से मंगाया है पर्दा, तो ये मुझे 400 का पड़ा है। चार पर्दे ये खिड़कियों के लिए हैं, तो मैं यहाँ लगाने की सोच रही हूँ। उससे मैचिंग है, जो मेरा पहले वाला पर्दा है उससे मैचिंग है। तो क्या है ना कि यहाँ पे पहले नेट वाला लगा था वाइट पर्ट, तो ख़राब भी हो गया था थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ इसी कलर में यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ नेट वाला ही अच्छा रहेगा, जिससे किचन में भी थोड़ा आर पार दिखे। सर्दियों में मैं उसको बंद कर दूँ, गर्मियों में खोल लूँ। और वही वाला जालीदार पर्दा यहाँ भी मैं लगाई हूँ, क्योंकि यहाँ भी खिड़की थोड़ी सी दिखी है तो अच्छी अच्छी लगेगी ना। बेटा हट जा। हाँ, तो यही सब है। और ये मैं लटकन लाई थी, तो यहाँ मैं उदय जी से बोल रही हूँ लगा दो, अच्छा लगेगा। मैं ढेर सारा लेके आई थी, तो एक पार्सल और आ गया है हमारा मीशो से। ये देखिए, ये दूसरा, ये मोटा है, हमें ये बाहर की खिड़की के लिए लगाना है, तो रोशनी अंदर ना आए ज़्यादा, तो इस करके मैं लगाऊंगी मोटा वहाँ पर, वहाँ नेट वाला नहीं। देखिए सेम कलर है, तो अब हम दोनों लोग जा रहे हैं लगाने इस तरह से। उदय जी इस दुकान पे काम कर रहे थे, मैंने कहा जल्दी से आओ और जल्दी से पर्दा लगाओ, लग जाए तो अच्छा, क्योंकि गर्मी यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा डार्क कलर के पर्दे लगेंगे ना तो धूप वगैरह थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। जब चारों तरफ से बंद कर दो ना, फिर जाके थोड़ा सा सही होगा। शाम सुबह अपना खोल दो, फिर अच्छे से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। ये देखिए, कमेंट करके बताना कैसा लगेगा। अभी बाद में आपको सारा मैं फाइनल लुक बताऊंगी। तो ये कुंडी वगैरह गुम हो गई थी, काफ़ी चीज़ें इधर उधर करते करते, बाकी एक आधा रॉड हमें नया लाना पड़ा, बाकी एक आधा वैसे ही है। तो ये उधर जुगाड़ कर रहे हैं, ये खिसक जा रहा था, तो यहाँ वो लगा रहे हैं, नैपकिन लगा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे लटकन लग उठा, चिड़िया लगाए हुए, यहाँ भी पर्दा लग गया है। आप लोग कमेंट करके बताना। इधर भी देखो, इस तरह से हमने लगा दिया है। अब थोड़ी सी सजावट करनी है, तो इधर हमने देखो यहाँ दिल भी हमने लटका दिया है थोड़ा सा करके। और यहाँ पे अब हमारा लगेगा एक स्टैंड फ्लावर के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हम ये भी हमने मीशो से मंगाया था। हम मीशो से ही ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, और जितनी भी करती हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये भी जो है हमारा 400 का पड़ा, 3 पीस। तो मैंने ये भी मंगाया फ्लावर रखने के लिए। और जो ये फ्लावर है, इसकी भी वीडियो आप देखे होंगे यूट्यूब पे। ये मैंने 5 फ्लावर 250 में मंगाया था। अगर आप लोग को मंगाना होगा जाके मंगाना, अच्छा है। ये थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है, 250 में 50 रुपये की एक पीस, और क्या चाहिए। तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है। अब हम ऊपर थोड़ा सा लगाएँगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हमें और भी फ्लावर लाने हैं, बट हम जब जाएँगे ना मेला देखने, अभी हमें किसका मेला है, कृष्णा जी वाला, तब वहाँ से हम थोड़ा सा ले आएंगे। यहाँ पे एक लगा है, और ये देखिए फाइनल लुक, अच्छा लग रहा है ना। मुझे घर वगैरह सजाने की बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक मैं यहाँ सोच रही हूँ कि यहाँ पे लगा दूँ, तो यहाँ के लिए भी फ्लावर हमारे पास नहीं है, तो हम बाद में दुकानों से लेके आएंगे। तो ये देखो, ये हुआ, वहाँ देखो गेट के, मतलब किचन के पास भी हमने एक दिल लटकाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, इसको इससे इस तरह से बांध दिया। यहाँ टेडी एक लगा दिया हुआ है, और ये इधर पड़ता, अभी सामान वहीं पड़ा है।